thank mm -hmm. you वती जंदे गिदान टीवी ते पाक कनक अलमी नाइंत गिदान टीवी वती चारों को गोश्तारों का निहात रहा यक के दर्शन आजादी सर यकीन दारित और वती लस महलों के आसराती पर निविष्टक कार और कवास सियासी और मजहबी सरोकार हमायानी जंदे जुबान व बरकना मौका और आसराती दंत द्रोत द्रोबत पर बलूच राज शर्बंदा हर जगह हर कु जा गल बात माँ आगाँ बलोचिस्तान ए सारा चमशा कभी यब बीस साल सारी और बीस साल च रंद या दू जिता जताएं जिता अकसंद के बलोचिस्तान था गर्द गाय दो हजार बीस तंद रियासत यक तुर से यक खौफ तला को गए जिता हरबां के आहानी था वतमावती कोशन टारगेट किलिंग या फिर कौड़िया बलोच है जोजे दे रिखावटे वस्ता या देपानी वस्ता या आई दारगे वस्ता ये पैमे पंद्रह साजू गए बलोचारा बरे गो हज़ारा में हज़ारा मे, मेड़े नग या बलोचारा बरे गो पश्तूना मेड़े लग या बलोचारा बरे गो वतमावत मेड़े नग ए पाकिस्तानी रियातन कोहने हर बे के आ कहते भले मैं के हज़ारा के बलोचि बलोचिस्तान था कर्ना चे नश्तगा बलोचि हमें ज़मीन बाशिंद भले आ म गंदा या तो पाकिस्तानी रियात या तो ईरानी रियात दस्ता कार मरबू होगा ऐज़ ए ठूल मरीशन क़ुरबानिए पस जोड़ करना जी देने में रोते हैं हज़ारा कारनि दम अरदम कुशन तो दौड़दे हँ भले हज़ारा हानी जिंद वत चे वश आया आया कौम दुनिया दीवा आय लूटा या मजहब शिकला हजारहनी जंजाल बलूचि ए जंजाल को यहा तरह आवारा क्या बलूचिस्तान ए बाशिंदू आयती सरजमीन गुशाँ बलि मरछी में मेहमान है मनु नोक जाओत एक तुर्स नाकें एक बाज खतरनाक है कि दाह मरदुम यकजा बिगर हिलार बिकन और पकुश दौर दे जस्ट पा मजहब नाम या कि फिर कवारियत नाम है या क्या मैं के सागर्द था गर्दगा तो गड़े वड़ कोशर पंदल साजग हाँ नो ये जावर हाल नो के नया ये कोहना ये हर हफ्ते का काया ये हर माह का काया मर्ची मा त्रान मरा के शायद दावत दाता मैं वजह ताहिर ख़ान हज़ारा के आ हज़ारा सियासी को एक पॉलिटिकल एक्टिवस्ट है और हज़ारा कम्युनिटी तय एक जवाने नामी और बस सीनियर हैं और समझदार हैं इमें एक इंटेलेक्चुअल दानश्वरी वस्तु हैं तहिर साहब हम आपको खुशावदी कहते हैं सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम भी आपके दुख को समझते हैं हम जानते हैं कि आप इस वक्त किस कंडीशन में हैं ये जो लाशें हैं जो पहली मरतबा नहीं है ये बार बार अब आप लोगों को यही लाशें उठा कर रोड पर बैठे हुए पूरे पाकिस्तान जानता है तो इनसे पहले हम आपसे एक तफसली गफगू करेंगे मगर इससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ उसकी वजात इस तरह करना चाहता हूँ कि बीस साल पहले जो उसके क्योंकि ये जनरेशन जो अभी है ये हमारा जो बलूच का जनरेशन है या के हज़ारा का जनरेशन है ये वो जनरेशन है कि जिसने या जो अभी तैयार हुई है जो जिम्मेदारियाँ उस, उसके कॉँधों पर हैं इस जनरेशन ने जब से आँख को ली है तो उसने गोलियाँ देखे हैं तो उसने लाशें देखी हैं उसने तो ऑपरेशन देखे हैं उसने तो इसने फौजी देखे हैं इसने कभी सुकून नहीं देखा है हालांकि हमारे दौर में हमारे दौर से मतलब कि जब मैं स्टूडेंट था नाइन्टी में हज़ारा लोग डिग्री कॉलेज के हॉस्टलों में रहते थे जब यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों में हज़ारा लड़कियां रहते थे अभी हज़ारा टाउन या मरियाबाद पूरा कैद हो गया हर जगह चौकी है फिर भी वो सेफ्टी नहीं है इससे पहले कि अब अभी के हालात पर बात करें अब थोड़ा सा दो हज़ार भी दो हज़ार से पहले की हालत जरा बताएं कि बलोच और हज़ारा पश्तून किस तरह रहते थे फौज से पहले अर्ज़ यह है कि हम जब से सौ साल एक सदी से अरसा होने को है हमें कभी भी कोई शिकायत नहीं रही बलूचिस्तान के बलोचों ने हमें अपना समझा है अपना तस्लीम किया है पश्तनों की कभी हमसे कोई अदावत नहीं रही ना उन्होंने ह कभी हमारे साथ किसी मुखासिमत का इज़हार किया है ये गुज़त बीस साल के बाद ये जो गुज़त बीस साल है इस अरसे में हमें इस तबाही व बर्बादी का सामना करना पड़ रहा है जिसके इसबाब वजूहत और महरिकात बलूचिस्तान की सूरत हाल में नज़र आता है यहाँ जो हालात हैं हमारा कत्लेआम इन हालात और वाकयात के तनाजुर में हो रहा है क्या आप समझते हैं कि हज़ारा कौम इस्तेमाल हो रहा है एज़ ए टूल पाकिस्तानी रियासत या ईरानी रियासत के हाथों ये हालात जो बलूचिस्तान में बने हैं या जो खत्ते में म अमेरिका नाइन अलेवन के बाद या सर जंग को गर्म जंग में तब्दील करने के लिए या जो खेल खेला गया अमेरिका और उसके पिट्ठू रियासतों ने जो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ अफगान शोर इनकलाब के खिलाफ जो ड्रामा रचाया जो डॉलर जहाज जो यहाँ जिस कराया गया तो हमारे ये जो करता धरता हैं जो असल हुक्मरान हैं इस मुल्क के वो उन्होंने अमरीका से जो साजिशी थ्योरियों का इस्तेमाल है वो सीखा है उन्होंने किस तरह यहाँ जो है नाम इस्लाम पसंद जो एक असामा बिन लादन रचाया और ये जो यहाँ पर सोवियत यूनियन या अफगान सौरक के ख़िलाफ़ जिस तरह मज़ब का सियासी इस्तेमाल किया उसी हरबों और हथकंडों को लेकर हमारी जो मख्तर क़तें हैं इन्होंने उन्हीं तौर तरीक़ों को उन्हीं साजिशी थ्यूरीों को लेकर दाखिली जो सूरत हाल है उसमें इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया ये कहा गया अफगानिस्तान में इस्लाम खतरे में था अफगानिस्तान में कुफर और इस्लाम की जंग अमरीका के कहने पर डॉलर जहाज शुरू की गई पाकिस्तान में यहाँ फिर कवारीत का जो है वो एक हथकंडा बरविकार लाया गया जिसके तनाजुर में इन्होंने अपने मकासद हासिल करने थे तो वो मकासद जो इस्लाम के नाम पर अफगान शोरकब के खिलाफ और सोवियत यूनियन के खिलाफ इस्तेमाल में लाया गया उसको जरा सी तब्दीली के साथ वहाँ इस्लाम की लड़ाई थी बलूचिस्तान में शिया और सुन्नी इंतहा पसंदी फिर लश्कर जंगवी ये सारे तौर तरीकों को उन्हीं तौर तरीकों को जिसको अमेरिका ने आजमाया सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान के खिलाफ उन्हीं तौर तरीकों और साजिशी थ्योरियों को बलूचिस्तान में लाया गया पहले क्यों दुनिया को ये पैगाम दिया गया कि भाई ये हजारों जो मील है अफगानिस्तान की सरहद इस पे बॉर्डर मैनेजमेंट नहीं है तो यहाँ दहशत आते हैं अफगानिस्तान से यहाँ बड़े बड़े धमाके होते हैं ये 2000 के बाद जो यहाँ 100-100 जनाजे फिर यहाँ अपने टाउट्स के जरिए बाकायदा टाउट्स तंजीमे बनाई गई नहीं। नहीं। उन्होंने इसको अभाम पैदा करने के लिए वो मकासद को उजागर करने के लिए उन्होंने इसको हमारे अपने लोगों ने इसको फिर वाराना सूरत दी इसकी सूरत गरी की ताकि दुनिया को मैसेज जाए कि यहाँ देश, मजहबी दहशतगर्दी है यानी फिरका वाराना दहशतगर्दी है तो वो बाढ़ बांध रहे हैं दुनिया को ये पैगाम भी देना था कि यहाँ कोई आजादी की लड़ाई नहीं है यहाँ ये बलोच चूंकि लश्कर जंगवी को डेथ स्क्वाड को बलोच इलाकों से मंसूब किया गया बलोचों से मंसूब किया गया यहाँ डमी अपना ऐसे बनाए गए अहले सुन्नत वल जमात ये रमजान मेंंगल ये वो प्लान तो ये इसलिए था कि बलोचिस्तान में आज़ादी की जंग नहीं है यहाँ कोई ऐसी सूरतयाल नहीं है जो बलोचों के को मुश्किल में बलोच अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हों यहाँ सिर्फ फिर कवारीत है ये बलोचों में लश्कर जंगवी वाले हैं ये बलोच मजहबी पसंद है, ये हज़ार शियों को मार रहे हैं दुनिया को ये मैसेज देने के लिए हमें कुर्बानी का बकरा बनाया गया ये कसिरशद था मसलन शुरू शुरू में अमरीका ये जो सपोर्ट फंड दे रहे थे इनको कोलेशन सपोर्ट फंड उसके लिए भी ये अच्छा खासा एक जरिया आमदनी था और इसलिए हमारा कत्लेम किया गया हम शुरू शुरू में यही समझते रहे कि शायद ये शक हमें था कि जिस तरह ये जाहिर किया गया कि ये दहशत गर्द ये खलाई मखलूक है ये इंसान को नजर नहीं आते इसे इंसान देख नहीं सकते इसको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता इनके ठिकानों का पता नहीं चल सकता पता नहीं चलाया जा सकता इनको ये ऐसी ताकत है कि जिसके सामने दुनिया की आठवीं बड़ी फौज आठवीं रियासत इस्लाम का किला ये मुकम्मल ख़ुद को बेबस बेबर करता रहा तो किसी के खिलाफ ये सोच हमें इस बात की तो नहीं कर सकते थे कि ये जो जिन नुमा नामालूम कतिल हैं जो एक ऐसे इलाके में बम धमाके करते हैं जहाँ हर दस कदम पर एफसी वाले खड़े हैं जहाँ सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम हैं जहाँ आम आदमी कोई चाकू लेके नहीं जा सकता जब ये सारे इंतजाम और सारी सिक्योरिटी जो इकमत अमली है इनके सामने बेबस हो जाते थे बकौल इनके मुठ्ठी पर दहशत गर्दों के ये नाम नहाज जो दहशतगर्द ये कहते थे तो ये बलूचिस्तान में जारी सियासी माशी और सूरतल के तनाजुर में रूनमा हो रहा था हम हालात और वाकयात की कड़ियों को मिलाते रहे फिर थोड़े ही अरसे बात हमें ये समझ आना शुरू हुआ कि ये कैसे मुमकिन है कि सरयाब रोड दिन दिहाड़े इतने इंतज़ाम के बावजूद इतने सिक्योरिटी इंतजाम के बावजूद ये तेरह पुलिस वाले दो हज़ार तीन में किस तरह इनको कत्ल किया जाता है और इनके कातिल फरार होने में कामयाब हो जाते हैं मैं एक आपको ये अब इस बन चुका है वारदात होती है लाशें गिरती है लेकिन अखबार में खबर छपती है कि फरार कातिल फरार होने में कामयाब हो गए ढाई हजार से जायद लोग कतल हुए हैं लेकिन आज तक कोई कातिल गिरफ्तार नहीं हुआ और मजे की बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर कतलेआम के बावजूद सिर्फ हजार कम्युनिटी के दो ढाई हजार लोग मारे गए हैं यहाँ क्रिश्चियन मारे गए यहाँ सेटलर्स मारे गए यहाँ वजरा मसलन अराकिनी पार्लियामेंट मारे गए आज तक हुकूमत ने सिक्योरिटी अदारों ने इसकी वजाहत पेश नहीं की कि भाई ये जो बम धमाका हुआ लमदार रोड में जिसमें चौरासी लोग लोकमय अजल बने ये किसने किया ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है रियासत की जिम्मेदारी है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की जिम्मेदारी है कि ये बताया जाए हमें कि ये किसने किया इसके लिए कौन जिम्मेदार थे ये रियासत यादारों ने इनको कानून के कठेरे में लाने के लिए क्या क्या इकदाम किए तो ऐसी कोई वजाहत देने की जरूरत महसूस ही नहीं की गई नामालूम फरार होने में कामयाब हो गए बात खत्म हो गई हजारों लोग मिसिंग हो रहे हैं हजारों लोग उठाए जा रहे हैं मामा कदीर एक अस्सी साल का बूढ़ा इंसान वो पांच छह साल से मुसलसल कोठा प्रेस क्लब के सामने बैठा है हमारी माए और बहने यहाँ से इस्लामाबाद तक कराची तक उन्होंने पैदल मार्च किया पैदल मार्च किया वो एक कमीशन बनी गए, बनाई गई है वो आते हैं छः महीने बाद तीन महीने बाद कि भाई वो हमने ए, इसको सुनवाई करनी है दो लोग बाजियाब हो गए हैं तो ये बात यह है कि यहाँ चूंकि आइन कानून हम कहते हैं कि भाई अगर कोई शख्स जुर्म करता है वो मुलजिम जी आप उसको गिरफ्तार करें ये, ये गिरफ्तार करें जी तार ये, ये मैं पूछता हूँ की यह जो बात आपने की क्या बलोचि में जो फिर वारियत है जो मजहब के नाम पे जो मारते हैं या कतल गारतगी करते हैं उनके पीछे जैसे की रमजान मंगल और शफीक मेंगल का आपने नाम लिया और वाकई यही लोग है उनको सारे जानते कौन सपोर्ट कर रहा है ना इनको मगर दूसरी बात यह है कि आप लोगों के जो हजारा हैं इलियट क्लास तो बलोचों के भी इसी तरह हैं और हजारा के भी मगर आप लोगों के जो हजारा के जो इलियट क्लास हैं वो तो उनका मौक़ क्यों क्लियर नहीं है आप लोगों के हजारों का बहस हज़ारा कौम आप लोगों का मौकफ़ क्लियर नहीं है वो बोलते हैं कि वो तो फौज के फॉलोवर हैं तो इस्टेब्लिशमेंट के फॉलोवर हैं जनाब देखिये ना जंगी मंसूबे में ये इसका हिस्सा होता है कुछ लोगों को ये ट्रस्ट दिया जाता है कि वो भ्राम्प पैदा करें कुछ लोगों को ट्रस्ट दिया जाता है कि आपने लोगों को गुमराह करना है तो आप अंदाजा लगाएं 100 लो 120 लोगों का जनाजा गिरा हजार ट्राउंड दमाके में अब फरवरी के महीने में उसमें 120 से 130 लोग शहीद हुए मारे गए कत्ल हुए तो हमारे जो नाम नेहत कौम है वो नारे लगाते थे कि नाकाम सूबाई मुर्दाबाद नाकाम सूबाई हुकूमत मुर्दाबाद हर वारदात के बाद वो ये नारे लगाते हैं, हमारे मजहबी जो आज एक नया पार्टी बना है जिसका पूरे पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ एक सीट है जो अभी इसको लीड कर रही है जो हमारे वो कह रहे हैं कि इमरान खान आए इमरान खान आए तो वो दरअसल अबहम पैदा करने के लिए लोगों को गुमराह करने के लिए उनको उनको ये जंगी मंसूबे में उनको हिस्सादार बनाया गया है उनको ट्रस्ट दिया गया है इसी तरह पश्तूनों में भी है बलोचों में भी अगर आपको बुरा ना लगे है, है, तो तो अर्ज यह है कि ये तमाम जो मामला हुए हैं हम उनसे कहते हैं अपने अपने लोगों से कहते हैं कि भाई ये जो सौ लोगों का जनाजा एक बम धमाके में एक हजार किलोग्राम जो सी फोर डी फोर जो इस्तेमाल हुआ है इसके लिए तो सुबाई हुकूमत जिम्मेदार नहीं है ये तो वफाक का काम है ये तो इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है तो बात यह है उन्हें निशस्तें दी गई है सुबाई असम्बली की उन्हें आओ भगत मिलता है उन्हें कार्ड मिला है उनको प्रोटोकॉल मिलता है वो तो वो अब अपना जमीन अगर कोई बेच दे तो इस हमाम में हमारे अलावा भी लोग नंगे हैं तो हमारी बात यह है हम ये कहते हैं कि भाई हम किसी लश्कर जंगवी को नहीं जानते हम किसी दाश को नहीं जानते हम किसी भी दहशत गर्द को नहीं जानते नाम नेहद दहशत गर्द को हम ये कहते हैं कि रियासत क्यों इतने फौजी बजट आज मुल्क का पचास फीसद आबादी वो की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, है जिन्होंने अपने कंधे पे बंदूक रखी हुई है और वो खड़े हैं और उनके दरमियान से ये कैसे गुजर सकता है एक हजार किलोग्राम का जो ट्रैक्टर वाटर टैंक में भर कर लाए थे जो अपने एम्बुलेंस में भर कर लाए थे अलमदार रोड पे तो ये इतना बयान देते हैं कि हिंदुस्तान ये सब कुछ कर आज भी ये कह रहे भाई हमें इससे कोई तसल्ली हमारी कैसे हो सकती है हिंदुस्तान बॉर्डर है वो लाहौर में अपना वाघा बॉर्डर है इन सारा सियालकोट ये छोड़ के बलूचिस्तान में आके क्यों हमें मार रहा है तो सारे पाकिस्तान में, में पाकिस्तान में जब भी मारे जाते हैं तो बलूचिस्तान में ही मारे जाते हैं तो दूसरे तो जगह शिया नहीं है, है क्या अर्ज शिया हर जगह है तो अर्ज ये है कि हमें कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है नाम नेहत कौमी मफाद के नाम पर तो इसके अभी आप लोगों के जो उल्मा हैं उसने एक बयान दिया था ये ये एक चीज़ क्लियर है कि हम लोग जानते हैं कि जो सब जानते हैं कुछ बोलते नहीं हैं अपनी खौफ से मुसीबत यह है कि जो इलियट क्लास है वो उनका फॉलोअर है अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो मिडल क्लास है उस पर खौफ़ है और जो मज़दूर तबका है वो मारा जा रहा है हर वक़्त यानी उसी की लाशें गिर रही हैं वही हो रही है एक तसलसल जो खौफ़ को जो सरकार ने जो एडवरटाइज किया था समाज में सोसाइटी में तो उसका भी वो फ़ायदा ले रहा है अभी हम जानते हैं कि बलूच बलोचों का भी आप लोगों को पता है कि बलूच अकलीत को जो हिंदू थे या कि दूसरे सिख थे वो अमूमन ट्राइबल एरिया में जाकर रहते थे इसलिए कि वो वहाँ ज़्यादा सेफ थे और बलूची रवायत में यह है कि अगर जो कबायली एरिया होते हैं वहाँ अगर एक कोई बंदा किसी चोरी करे या किसी को मार दे किसी अकलीत पर तो उसके जुर्म उसके डंड ज़्यादा होते हैं बन एक बलूच के या मुसलमान के यानी कि बलूचों में तो ये है कि कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि इतने सेकुलर भी हैं वो बर्दाश्त कर सकते हैं अभी ये हम समझते हैं और आप लोग समझते हैं कि ये सारी चीज़ें सरकार कर रही है और कौन कर रहा है जिसके नाम भी हैं सबके सामने अभी आप लोगों के अमूमन ये ये करते हैं कि ऑपरेशन के नाम पर हज़ारों को मारते हैं ऑपरेशन के नाम पर बलोचों को फिर मारते हैं यानी सीढ़ी बनाकर अपने काम करते हैं तो अभी फिर से आप लोगों के जो साहिबान हैं उन लोगों ने बयान दिया है कि का बलुस्तान में फिर से ऑपरेशन किया जाए जी अर्ज यह है कि मैंने आपको बताया कि हमारा कतलेआम काउंटर इंसर्जेंसी के लिए इस्तेमाल हो रहा है डान अखबार पांच पांच तारीख का डान अखबार आप सुन रहे मेरी बात पांच तारीख का डान अखबार उसमें जो आर्टिकल हमने अभी दोस्तों ने उसकी कॉपी निकाल के मुझे दिखाई उसमें साफ तौर पर ये ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ये डान अखबार से लिया है इसमें साफ तौर पर ये लिखा गया है कि हजारा का जो कत्लेआम है वो बलूचिस्तान में काउंटर इंसर्जेंसी के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है तो अर्ज़ यह है कि इनके पास पूरी रियासत पाकिस्तान के पास हमारे कत्याआम को फिर वाराना साबित करने के लिए कोई दलील नहीं है पूरी दुनिया जानती है कि हज़ारा शिया ये जो है कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है आप हज़ारों को छोड़ें यहाँ तो 800 पुलिस वाले कत्ल हुए 800 पुलिस वाले 800 पुलिस वाले कत्ल हुए जिनमें ऑफिसरान भी थे और ज्यादातर सिपाही थे आप मुझे बताए कि रियासत पाकिस्तान ने उसके लिए कोई वजाहत देने की जहमत नहीं की कि भाई पुलिस वालों को किसने मारा सिर्फ इतना कहा गया कि ये शहीद हैं इतना कहा गया कि ये शहीद कर रहे हैं ये दो ये अफसरान शहीद हो गए हमारे हजारों को भी हमारे अपने लोग नारा लगाते हैं कि ये शहादत 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 हमारे अपने हमारे अपना मजहबी पार्टी नाम नहा वो ये कहता है कि ये जो बम धमाके में मारे गए हैं ये शहीद हैं तो भाई बात यह है अब इतनी शहादत जो हमारी हमारा पूरा आबादी अब यतीमों बेवाओं का आबादी बन गया है। हमारे कब्रिस्तान आबाद हो गए अब इतनी शहादत हम कहाँ इसको बर्दाश्त कर सकते हैं तो अर्ज यह है कि ये सब कुछ बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किया गया है और किया जा रहा है आप कहते हैं कि ये जो वारदात है ये दाइश ने की है मेरे भाई ये दाइश ने किया है जिसने भी किया है माजी में दाइश नहीं था कोई और था उसके 20 साल से दाइश नहीं था तो वो तो लश्कर जंगवी ने किया जिसकी जिसको आप जंग से मंसूब करते हैं जो पंजाब का एक शहर है हाँ। अब दाइश अब दाइश आ गया है तो हम हमें इससे क्या फर्क पड़ता है मरना दाइश के हाथों भी है लश्कर जंगवी के हाथों भी है जैश मोहम्मद के हाथों भी है हम हमें तो सिर्फ मरना हमारे नसीब में लिखा है हमारा हमें नाम से क्या फ़र्क पड़ता है तो अर्ज़ यह है कि ये सब कुछ सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा है हज़ारा शिया और जितने भी पुलिस वाले कत्ल हुए और यकीन करें खुदा की कसम खा के कहता हूँ ये जो हरनाई में सिपाही मारे गए हैं एफ सी के ये तो वो गरीब लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है वो बीस हजार रुपये तनख्वाह के लिए मजबूरन आके यहाँ रोजगार की तलाश में यहाँ आ गए ये माजी के तलख तजर्बात को सामने रखते हुए मैं यकीन से कहता हूँ बिल्कुल यकीन से कहता हूँ कि ये सात लोग जो एफसी के सिपाही मारे गए उन्हें भी कुर्बानी का बकरा ही बनाया गया कोई माने न माने लेकिन अपना तजर्बा यही कहता है कि इन्हें भी कुर्बानी का बकरा बनाया गया उन 800 पुलिस वालों की तरह जो मारे गए और आज तक उनके कत्लेआम का जो फाइल है वो बंद हो गया जी तार साहब मैं आपसे एक, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ चूँकि आप कामरेड हैं आपके सुनते हैं आपके जो जनरेशन है जो स्टूडेंट्स हैं वगैरह तो मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि हज़ारा कबाइल जो जब जब से यहाँ आया पाकिस्तान में या बलूचिस्तान में यहाँ पर हैं तो उनको शुरू में क्या ये साजिश उस वक्त से थी कि हज़ारों को एज़ ए टूल इस्तेमाल किया जाए क्योंकि हज़ारों की जो शनाख्त है उनको एज़ ए मजहबी शनाख्त उनको दिया देगा शीए शनाख्त दिया गया उनकी अपनी कौमी शनाख्त तो क्या कोई हजारा सुनी नहीं हो सकता है या कोई दूसरा शख्स शिया नहीं हो सकता सिर्फ हजारा के जो फैस है जो उनके शनाख्त है उसको शिया से मनसूब किया है ये अपनी शनाख्त तो उसकी छुपा दी है क्या ये साजिश उसी वक़्त से है क्या अर्ज यह है कि अठारह सौ इक्यानवे तिरानवे में जब जंगी मकासद के लिए सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान को बफर स्टेट बनाने की जो बरतानवी इस्तेमार का जो मंसूबा था वो हमारे माजी हमारा माजी उससे वाबस्ता है अफ़ग़ानिस्तान में जो पश्तून और हज़ारा के नाम पर जो जंग कराई गई वो दरअसल अंग्रेज़ों की साजिश थी वो हज़ारों को उस जंग में मुलिस करके अफग़ानिस्तान की दाखिली सलामती को इस तरह बनाया गया कि उस वक्त के जो अब्दुलरहमान थे जो अंग्रेज़ों का पिट्ठू था जिन्होंने अंग्रेज़ों से साजबाज करके इक़्तार हासिल किया था उन्होंने जब हज़ारा को वहाँ शिकस्त हुई उस जंग में तो वहाँ से ये आ गए बलूचिस्तान में बलूचिस्तान में यहाँ अंग्रेज़ों ने इन पर रिसर्च की और इनको अपना बनाया हज़ारा पानियर ब्रिटिश आर्मी और इनसे कहा कि देखें जिस तरह बलोच बाई रिस्पेक्ट पख्तून बाई फीडिंग पंजाबीज बाय आर्डर तो हज़ारों को देखा कि इनकी तारीफ करो ये बहुत खुश होते हैं जब हजारा पर रिसर्च किया कि ये उस किरदार को समझने में कि कितनी सलाहियत रखती है जो हमने अफग़ानिस्तान में इनको लड़ाया इनको मरवाया तो उसमें अजारा के पास कोई मालूम नहीं थी यानी वो अंग्रेज़ों के मुतल उनकी साजिशों के मुतलक कुछ भी नहीं जानते थे लिहाजा उन्होंने इसको देखा कि ये नस्ली तौर पर भी मुख्तलफ हैं और मजहबी तौर पर भी या इन मुख्तलिफ़ है लिहाजा इनको पश्तून और बलोचों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए हजारा पनीर के नाम से फोर्स बनाई जब ये भी हमारी खुशकिस्मती है कि नवाबातिया निजाम जब का खात्मा हुआ तो उसके बाद वो चले गए वो पनीर टूट गया अंग्रेज यहां से कूच कर गए तो फिर हमारे जो लोग थे उन्होंने जाके काले अंग्रेज से पूछा कि क्या मसला है उन्होंने कहा कश्मीर पर ये काफिर हिंदुस्तान काबिज है आप लोग नारे हैदरी मारने वाले लोग हो आप हुसैनियत के अलंबरदार हो तो हमारे जो लोग थे यो पनियर वाले उन्होंने कहा हम बिल्कुल कश्मीर जाते हैं उसमें एक का नाम एक सबक बरतानवी फौज के अफसर का नाम शेर कश्मीर रखा तो यहाँ से शेर कश्मीर गए कश्मीर में उन्होंने लड़ाई लड़ी और यहाँ आ गए उसी दिन उसके बाद इन्होंने उसी अंग्रेजों के प्रोफाइल को सामने रख कर हमारे मुतलक एक पॉलिसी बनाई जिसका नतीजा आपके सामने है तो अभी मैं हैरान होता हूं कि कहते हजारा शिया हालांकि हजारों में सुन्नी भी है तो हाँ हजारों में सुन्नी भी है ये सारे हजारे शिया नहीं है तो ये शिया हजारा इसलिए कहते हैं मीडिया वाले वैसे भी तो हमारा मीडिया जो है वो माशाल्लाह काम करता है वो हजारा शिया हजारा शिया तो भाईजान हजारा शिया इसलिए कहते हैं कि वो कुछ छुपाना चाहते हैं कुछ नुमाया करना चाहते हैं कुछ को कुछ चीजों को उजागर अब, करना अब, चाहते अब, हैं अपनी तरह ट्विस्ट करना चाहते हैं हर चीज को जी तो इस तरह हमें दूसरों से मुख्तलिफ बनाकर एक फर्जी दुश्मन हमारे खिलाफ तख्लीक कर किया इन्होंने और हमारी तरफ से उस फर्जी दुश्मन को चैलेंज करने के लिए भी यहाँ तंज़ीमें बनाई गई जो कहते थे कि टारगेटेड ऑपरेशन करो तो कहते थे कि आज आप अंदाज़ा लगाएं एम डब्ल्यू एम जो इमरान ख़ान की इतिहादी जमात है एक फ़िरका मुस्लिमीन ये मैंने वो, देखे बैनर वो बैनर उठाए इस्लामाबाद, कराची लाहौर में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जरब अजब किया जाए वो आप नेट पर उसका देख सकते हैं हाँ मैंने देखा तो था वो मैंने सुबह देखा इसको तो ये तकफीरी कहाँ है कैसे है, है? और ये तकफीरी तो यहाँ मज़हब का सियासी इस्तेमाल मजहब का फौजी इस्तेमाल मजहब का जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा है और हम हजारे तो नफसयाती तौर पर भी हम शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ार रहे हैं इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए नहीं। तो शाह से ज्यादा शाह की वफादारी का सिला हमें सरा मिल तो अभी अभी ये इतने सारे हैं अभी मैंने शुरू में जो अपनिंग में यही बात की मैं आपसे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा वक्त तो शुरू में यही बात मैंने की कि ये जो जनरेशन है जो इसी तरह गोलियों में पली बड़ी है जो दो हजार के बाद ये जो तैयार हुई है तो अभी ये जनरेशन जो तैयार है जिम्मेदारियाँ उस पर हैं इन हालात में तो वट इज नेक्स्ट हर सा महीने लाशें उठा के रोड पर बैठोगे नारे लगाओगे चुप हो जाओगे या कोई रास्ता ढूंढोगे या वाकई क्लियर अपने दुश्मन को जो है उसको क्लियर उसका इजहार करोगे इसका क्या फ्यूचर क्या है, है अर्ज यह है कि हमारी शिनाख्त मैं पंजाब गया था लाहौर एक, एक दुकान से मैं कुछ ले रहा था एक शख्स ने मुझे कहा कि खान साहब आप पिशावर से आए मैंने कहा नहीं मैं कोयटा का हूँ अच्छा कोयटा का मैं कोयटा का हजारा हूँ अच्छा वो धरने वाले अब धरना जनाजों के साथ धरना लगाना हमारी शिनाख्त बन गई है तो अर्ज यह है कि मैं एक शेर फारसी का जो बहुत ही जामे है मैं वो पढ़ के आपको बताता हूँ और उसका तर्जमा भी करता हूँ ताकि आप उसको समझ जाए कहते हैं शायर कहता है कि मन जखरब न मी तरसम मैं बिच्छू से नहीं डरता वली अज नैश मी तरसम मैं उसके नेश से डरता हूँ न शिकवा शिक्वाज बेगान गान मी तरसम मुझे बेगानों से कोई शिकवा नहीं है मुझे अपने लोगों से मुझे गीला है अपनों से मुझे शिकायत है नदारोम वहशत शेर बबर शेर बबर से नहीं डरता हूँ मैं भेड़ियों के हमले से नहीं डरता हूँ अजन गुरगी की मैं में तरसम मैं उन भेड़ियों से डरता हूं जो भेड़ का लिबास भेड़िया और भेड़ में फर्क है जो भेड़ का लिबास पोस्त तनजेब करके खुद को भीड़ ज़ाहिर करते हैं जबकि वो हकीकत में भेड़िया होता है तो हमें हमारा जो ये कत्लेम है इसको म, इसके मकासद को उजागर करने के लिए और इससे वाबस्त मकासद को पूरा करने के लिए हमने ख़ुद हमारे अपने जो लोग हैं जिन्होंने साजबाज की है कातिलों के साथ जो मिले हुए हैं जो इस कतलेआम के मंसूबे का में बाकायदा हिस्सादार हैं उनको टास्क मिला है किरदार अदा करने का हमें उन्होंने इस इस तवील अरसे तक इस कत्याआम को चलाने में बुनियादी किरदार अदा किया है मैं ये कह रहा था कि अब अब सारे शवायद हमारे सामने हैं हमारा कत्लेम कौन करा रहा है अब इस हवाले से सिर्फ हजारा कम्युनिटी नहीं बलोच पश्तून पंजाबी पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरा पूरी दुनिया ये खुद सूरतयाल और खुद सारे जो अस्बाब अवामिल हैं जो मुहरिक हैं जो हकैक़ है उसको वक्त और हालात ने बेनकाब कर दिया है तो अब बात यह है कि इसीलिए इसका वाद इलाज यह है कि अब हम इसकी परवाह न करें कि सर रहता है या नहीं हम कमज़ोर ज़रूर हैं हम आबादी के लिहाज से कमज़ोर ज़रूर हैं लेकिन बे नहीं है हम हम इमाम हुसैन के पैरोकार हैं जिसका दर्स ये है कि जालिम जितना भी ताकतवर हो ये जुल्म को बर्दाश्त करना जो है ये हुसैनियों का शेवा नहीं है हुसैनी कभी भी जुल्म बर्दाश्त नहीं करते लिहाजा इसलिए हमने जब आर्मी चीफ से हमने मुलाक़ात की उसमें हमने बड़े वाज अल्फाज में और साफ सुथरा कहा कि जनरल वाजवा साहब यहाँ कोई फिर नहीं है यहाँ कोई दहशत गर्दी नहीं है हमारा कत्लेआम आप और आपके अदारे करा रहे हैं क्योंकि जब पानी हमारे फारसी में कहते हैं क्या वह सर थे शुद्ध बचत था जब पानी सर से गुजर जाए तो इंसान अपने बेटे पर भी पांव रखकर बचने की कोशिश करता है तो हमारे सरों से पानी बहुत पहले गुजर चुका है इसलिए अब हमारे लिए मसलहत हम तो हालात ये साबित कर रहा है कत्लियाम का तसलसल तो ये साबित कर रहा है जुल्म और नाइंसाफ़ी और अदारों की खामोशी इंसाफ की खामोशी मीडिया की खामोशी ये सब कुछ ये बता रहा है कि हम हर हमारा हर आदमी हमारा हजारा कैम्यूटिकार फर्क अपनी बारी के इंतजार में है ऐसी सूरत में अब हम किसी मसला के शिकार नहीं होंगे चाहे सर रहे न रहे हमने अपनी बात साफ करनी है क्यों अब हमारे हमें तारीख के तारीख के सवाल का जवाब हमने देना है हम मरना चाहते हैं लेकिन तारीख या तो नहीं मरना चाहते हम तारीख में ये साबित करेंगे कि एक गैरतमंद कौम है ठीक है माशरे में हर तरह के लोग होते हैं उसमें बेगैरत भी होते हैं उसमें बेजमीर भी होते हैं उसमें सब कुछ होता है लेकिन हमने ये साबित करना है तारीख को हमने ये पैगाम देना है कि हम वो कौम है कमज़ोर ज़रूर है लेकिन बेगैरत नहीं है हम दानिश रखते हैं हम समझते हैं हालात तो वाक़ को समझने के लिए अब किसी दानिश की जरूरत नहीं है अल्लाह पाक और तारीख ने सब कुछ खोल के पूरी दुनिया के सामने रख दिया है तो हम तारीख को जवाब दे हैं हम अपने ज़मीर को जवाब दे हैं इसलिए अब हमें किसी मसला का शिकार होने की जरूरत नहीं है जो तारीख के सजा जजा को नहीं मानते उसे आशनाई नहीं रखते हमें वो हजारा वो चाहे जिस बेस में भी हो हमें उससे कोई रिश्ता नहीं है हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है हम साफ तौर पर खुद को तो तारीख का तारीख के लिए जवाब दे समझते हैं हमारे लिए अब कोई मसलहत नहीं है हम जो जो हक है वो हर सूरत कहेंगे जिस तरह इमाम हुसैन ने करबला में कुर्बानी दी हम उसी के नक्श नतीजा कुछ भी बरामद हो हमें उसकी कोई परवाह नहीं है अभी अभी जो आखिरी यह है कि लास्ट में अभी आप लोगों का क्या प्रोग्राम है जो ये जो लाशें लेके बैठे हो या कोई डिमांड क्या है कि वजिर कुछ बोल रहे हैं कि अभी मैंने कल देखा था कि कुछ डिमांड कर रहे हैं कि छः-छः लाख रुपए एक लाश का दे दो तो कुछ इस तरह की डिमांड से कुछ बोलते हैं। वजीर आ जाए क्या है? ये डिमांड क्या है ये ये उन लोगों का उन लोगों का डिमांड है जो इस खुश फहमी में दानिशा खुद को मुब्तला किए हुए हैं इस गलत फहमी में सारे तल को नजरअंदाज करके ये बेजा तो कर रहे हैं कि इमरान खान का नाम प्राइम मिनिस्टर है वो आएंगे सारे हजारे खुश होंगे कि प्राइम मिनिस्टर आया है प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की क्या हैसियत है आर्मी चीफ ने आके हमारे साथ ये कमिटमेंट किया कि आइंदा आपके साथ नहीं होगा जब आर्मी चीफ से ज़्यादा ताकतवर ये तो इमरान खान ये तो इसके मुतल पूरा पाकिस्तान चीख रहा है कि ये सेलेक्टेड है तो ये सिर्फ नाम का वजे अजम है ये हजारे खुश हो जाएंगे कि भाई देखें हमने एहताज किया प्राइम मिनिस्टर को बुलाया और प्राइम मिनिस्टर आए और उन्होंने हमें तो अर्ज है ये, ये इमरान खान पिछले दिनों दो दिन पहले शेख रशीद आया तो हमने कहा कि भाई शेख रशीद और इमरान खान में क्या फर्क है हमें तो अगर आर्मी चीफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तीनों आकर हमें यकीन यकी करें कि आइंदा तुम्हारे साथ ये नहीं होगा हम इस पर भी यकीन करने को तैयार नहीं है अगर हम एस इमरान खान के आने को मुतालबा समझे और उनकी यकिन दहानी को निजात का वसीला समझें तो फिर हमसे ज्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं है फिर तो इनका हक बनता है कि हमें यारा कत्ले आम करते रहें तो ये मुतालबा जिनका है वो करते रहे हमारा इस मुतालबे से कोई ताल्लुक नहीं है हम हम बीस साल के जो खून खूनी तजर्बात हैं वो सामने रख कर हम ये समझ सकते हैं कि हमारा कतलेआम ये रियासत की ज़रूरत है हमारा कतलेआम हमारे ये जो आज धरना दे रहे हैं ये बैनर बड़े बड़े लगा कर उस पर लिखते हैं पाकिस्तान बनाया था पाकिस्तान बचाएंगे तो ये शिया जो हमारे वादतुल मुस्लिमीन का ये कहता है पाकिस्तान हमने बनाया और पाकिस्तान हम बचाएंगे तो ये पाकिस्तान बेशक बचाएं कराची में जाके बचाएं लाहौर में बचाएं इस्लामाबाद में बचाएं हम पाकिस्तान बचाने का ठेका हमने नहीं लिया हमसे जो कुछ तीन हजार लाशें गिराई जा चुकी हैं हमारी कितनी आबादी है मस्जिद क्या करना चाहते हैं तो हम वाजे तौर पर हमने पैगाम दी और कुरान पाक सर पर रख कर शायद आपने वीडियो देखी हो जी जी मैंने देखा जनरल बाजवा साहब मैं सदर पाकिस्तान को कुरान का वास्ता देता हूँ ये बंद करो ये साजिशी टीवियों का इस्तेमाल हम तुम्हें वार्निंग देते हैं जनरल बाजवा साहब कोर कमांडर बलुचिस्तान कोई साहब ये कुरान का वास्ता देकर कहता हूँ हमें छेड़ो हमारा खून मजीदाओ जी जी मैंने देखा हमने कुरान पाक सर पर रख कर नाम ले लेकर मुखातिब किया कि कोई हम न रहे हमने कहा कि इस साजिशी थ्यूरियों को तर्क करो हमारा कत्लेआम बंद करो बसूरत दिगर हमारे पास कहने को बहुत कुछ है हम कहने पर हमें मजबूर न किया जाए हम किसी मसलहत के शिकार नहीं होंगे इसको बंद करो हमने कहा पश्तूनों का, का कत्लेआम बंद करो बलोचों का कत्लेआम बंद करो बलोचिस्तान में जंगी सियासत का खात्मा करो मिसिंग पर्सन को ये मिसिंग पर्सन ये अजीब अलाह है ये अजीब असलाह है लोग उठाए जाते हैं फिर उन लोगों के लिए कहा जाता है ये बाजियाब हो गया ये कहाँ था किसने ले कौन लेके गया और कैसे बाजियाब हुआ जी तो इस सूरत हाल में हमारे लिए निजात का एक ही रास्ता है हम बेवारिश नहीं है हमारे पास इसका इलाज है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पचास हजार से जायद आबादी हजारों की अमेरिका में भी है लंदन में भी है पूरे यूरोप में है हम उनको कहेंगे कि भाई हमारा निजात हम अपनी सारी कोशिशें कर चुके हैं सारी तदबीरें आजमा चुके हैं अगर तुम चाहते हो कि कोयटा में बलुचिस्तान में कत्लोरी का खात्मा हो तो बाहर निकलो और वो नारे लगाओ जो आज पाकिस्तान का मकबूल नारा बना है जो हक जिससे हकैक अक्कासी होती है जो मंजूर पश्तून लगा रहा है जो तायर खान अदारा लगा रहा है ये नारे लगाओ और आलमी सतह पर तहरीक चलाओ ताकि हमारा कतलेआम बंद हो बलोच तो बहुत बड़ी सूबे का नाम है एक बहुत बड़ी कौमियत है हम अदारे ये बर्मला कहते हैं अगर ये रियासत हमें गुलाम बना कर रखना चाहती है तो हम हमारे लिए इसको बर्दाश्त करना मुश्किल है हम नहीं रहेंगे हम गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम गुलाम बनकर नहीं रहेंगे चाहे इसका जो भी नतीजा निकले उसको भुगतने के लिए और नहीं कम अज कम मैं और मेरे दोस्त इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं जिंदगी जलाल शाय मशर दे इस ताजा करबला भी अजम हुसैन दे हम बिल्कुल किसी सूरत में भी गुलामी के लिए हम तैयार नहीं है बाकी गुलाम बन कर रहना हमारे लिए नामुमकिन है ना नाम कबूल है हम इसको कबूल कर सकते हैं जिस मुल्क में मतलब एटम बम बना सकता है फर्स्ट मतलब नंबर वन इंटेलिजेंस के पास है लेकिन फिर भी कातिल ना मालूम है सही है इसराइल के खिलाफ लड़ सकता है इंडिया के खिलाफ लड़ सकता है लेकिन इस बलुचि में हजारा कौन को मारता है वो, वो अभी तक 20 सालों में पकड़ा नहीं जा सकता तो दस बंदे, सारे हमारे अपने लेकिन पांच बंदे हमारे फैमिली के अला, अला, हम थक गए जिनाजे उठाने की हिम्मत भी नहीं है अल्लाह खुदा हमें, दे वो, हमें हमारे साथ, यू तार साथ आए हमारा ज्वाइन किया और हम ये कहते हैं कि हम गेदान टीवी की से, बल्कि पूरी कौम की तरफ से आप लोगों के साथ हैं हर वक्त आप लोगों की जो दुख हैं जो परेशानियां हैं ये जो मुसीबतें हैं हम इनको पूरा अपने ऊपर फील करते हैं हम इसी कर्ब से गुजरे हैं इसी सेम ही किस्सा है तो अच्छी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि एक समाज की गंदगी को या समाज की बीमारी को या समाज की जो जख़म है या वो, वो कैंसर है उसको हटाने के लिए या सर्जरी करने के लिए लाज़म है कि उसको डाइग्नोज़ किया जाए तो ये अच्छी बात है कि आज हज़ारों ने भी डायग्नोज़ किया है पश्तूनों ने भी डायग्नोज़ किया है बलोचों ने भी डायगनोज़ किया है कि हमारी समाज में जो कैंसर है वो कौन है मैंने न शर्फमंद अशिक नगर मरुची ताहिर खान हज़ार है कि हज़ारा सियासी एक कारकुनानी एक जान रिश्त कारी एक जान एक्टिविस्ट है कि आई महरुर आई मोहब्बत गुना था नो हज़ार हाँ ना बल्कि गो बलोच आँगू बलूचिस्तान इन्दगा को मुदाम आई एक दे मददाम आय जोहद हमदारी गुंदूता आई एक की एक जुदा मवफ़े के आप पज्जा आर गए कि बलूचिस्तान इस तरह हज़ारा व बलोचानी कोशक या बलोचानी हज़ारा नहीं, नहीं कोश बलोच मेड़े नगे या बलोचानी हमारा जहद नज़ोर कर गए एक रंगे